भैया लैट्रिन बाथरूम नहीं है, मकान नहीं है, बताओ। लैट्रिन जमान जमान लड़की जंगलों में जा रही है, अच्छी तो नहीं लग रही है। और क्या यही समस्या है, लड़की जमान जमान है, ये खेतों में जाती अच्छी लग रही, बताओ। इस सरकार में लैट्रिन बाथरूम ना बने तो और क्या बनेगा, बताओ। सरकारी सरकारी भी नहीं है, सरकारी नहीं है, किसी का दो चार बनी है, बस दो चार बनी है, कोई कुछ नहीं है, किसी की नहीं बनी। आप लोग कहाँ के कहाँ छोट करने जाते हैं फिर? हम तो जंगल में जाना है, ये तो बड़ी ज्यादा ही समस्या है। वो चाहते ही जंगल में जाना है, लैट्रिन बाथरूम बनवा दो बस, इसकी ज्यादा परेशानियाँ नहीं। सही गांव में लैट्रिन बाथरूम बननी हुई है या नहीं बनी हुई, खेतों में जाने जा रही सारी औरतें। राशन तो पूरा मिला, राशन तो थोड़ी, राशन चाहे बंद कर दे, लेकिन एक मजदूरी एक स्कूल जरूर खोल दे। ये स्कूल की सबसे ज्यादा परेशानी है, हमारे छोटे गाँव के बच्चे बहुत परेशान है। हम बड़े अमीर थोड़ा यहाँ जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे, हमारे बस की बात नहीं कि हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दें। हमें समस्या है अपने बच्चों की, हम बच्चों की परेशान नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए। योगी सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी? योगी सरकार क्या करेंगे जब योगी ने कुछ करा ही नहीं हमारे लिए। कोई भी सरकार प्रधान बनो या सरकार बनो, वो अपने लिए करा, पब्लिक को तो जब देता है जब फालतू हो जाता है। अच्छा आप ये बताओ कि 6 महीने के बाद से दोबारा चुनाव होंगे आपके यहाँ पे, मुख्यमंत्री यही रहेंगे या बदलेंगे? मायावती बनेंगे, हाँ जी मायावती बनेंगे, क्योंकि सब चीज में ना सुविधा था मायावती का, हम मायावती बनेंगे। तो लगातार दलित टाइम्स आपको यूपी से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा है, और इस वक्त हम है बड़ापुर विधानसभा में जो कि जिला बिजनौर में पड़ती है, और यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं हम एक गांव में आए हैं, और आप देख सकते हैं दृश्य यहाँ का किस तरीके से है, और कुछ लोग भी हैं, और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि सरकार की योजनाएं कितनी यहाँ पर धरातल में पहुँच पाई है नहीं पहुँची है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार गौतम। तो ये बताइए कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने यूपी के विकास के लिए इतना काम कर दिया, वो कर दिया, तो यहाँ पर ग्राउंड की रियलिटी क्या है? सरकार बिल्कुल सही है, लेकिन जो लीडर हैं जैसे ग्राम प्रधान हुए और जो ऊपर के लीडर हैं, तो जो योजनाएं पब्लिक के लिए आती हैं वो सबकी सब रद्द हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ लोगों को उसका लाभ मिल पाता है और कुछ को नहीं मिल पाता है। अच्छा, हाँ, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाभ मिले तो सभी को मिले, न कि किसी एक को। मैं इधर चलते हैं, पर मैं दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड, यहाँ पर ये कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? समस्या क्या है? समस्या क्या है? यही समस्या है, घर बार बनना चाहिए, एक आध मकान, लैट्रिन जमान जमान लड़की जंगलों में जा रही है, अच्छी तो नहीं लग रही है। यहाँ पे लैट्रिन ही नहीं है? नहीं है, हमारी तरफ से नहीं बनी भैया कोई भी। सरकार तो बोलती, मोदी बोल रहे हैं हमने घर घर शौचालय बनवा दिए, भैया हमारी नहीं बनी। तो यहाँ पर आकर सो सरकार की योजना है वो फेल दिखाई देती है, कि बड़े बड़े दावे करती है सरकार की, हमने घर घर शौचालय पहुँचा दिया गांव के अंदर वो भी, और यहाँ हम इनसे बात कर रहे हैं और ये लाइव एग्जांपल है, लाइव सबूत दे रहे हैं कि इनके यहाँ कोई भी शौचालय नहीं बना गया है। ये बताओ कि 6 महीने के बाद से दोबारा से चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि सरकार यही रहेगी या बदलेगी? जब ये अच्छा करेंगी तो यही रहेंगी। अभी तक 4.5 साल हो गया, कैसा काम कर रहा? हमें तो अच्छी नहीं लगी, जब हमारी लाइटिंग नहीं बनी, हमारा मकान नहीं बना, तो हमें तो अच्छी नहीं लगी, बताओ। 1500 रुपए 500 रुपए गिरा, इसके जिम्मेदार सिलेंडर दिया। अच्छा, राशन के अंदर घोटाला होता है, राशन मिलता है? नहीं, राशन तो सही मिल गया, 5 किलो 4 किलो 5 किलो ही मिल रहा है, 5 किलो पूरा मिल रहा है। अच्छा, यहाँ 5 किलो मिल रहा है, लेकिन दूसरी, आपका नाम क्या है? रुक्मेश। तो यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं भैया? लैट्रिन बाथरूम नहीं है, मकान नहीं है, बताओ। अच्छा, हाँ, और क्या यही समस्या है, लड़की जमान जमान है, ये खेतों में जाती अच्छी लग रही, बताओ। इस सरकार में लैट्रिन बाथरूम ना बनेंगे तो और क्या बनेगा, बताओ। कितना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, और कुसामन जो ना वो कुसामन करते हैं, और 20-20 रुपए भी देते हैं, हर साल की बात है, हर साल की बात, चीज के 20 रुपए। अरे लैट्रिन बाथरूम आ रही तुम्हारी, कौन लेते हैं 20 रुपए? अब जाना कौन आते हैं, यही आते हैं, जो भी आते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या? मीनू। ये बताओ कि सरकार जो मोदी सरकार है बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने घर घर शौचालय पहुंचा दिया, यहाँ पर सरकारी अफसर कोई आया है शौचालय का अरेंजमेंट करने? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। पूरे गांव में किसी के मतलब घर पे नहीं है किसी के शौचालय? नहीं है। सरकारी सरकारी भी नहीं है? सरकारी नहीं है, किसी का दो चार बनी है, बस दो चार बनी है, कोई कुछ नहीं है, किसी के नहीं बनी। आप लोग कहाँ के कहाँ छोट करने जाते हैं फिर? हम तो जंगल में जाना है,
ये तो बड़ी ज्यादा ही समस्या है, बहुत ज्यादा ही जंगल में जाना है। गंदगी लगा कर ना, गंदगी में करना क्या है, तो इस वजह से लड़ाइयाँ हो रही है। लड़ाई तो हो ही जाती है, देखो तुम, मैं किसी के खेत में जाऊंगी तो लड़ाई नहीं होगी, जब भाई नहीं तो जाना तो पड़ेगा ही। बताओ भैया, झूठ तो नहीं है भैया? तो ये बताओ, 4.5 साल हो गए ये सरकार को, क्या लगता है कि ये सरकार आगे बदलेगी या यही रहेगी? पता ना जी, जब ये है सरकार बदलेगी, जब ये कुछ बदलनी चाहिए ना सरकार, बदलनी चाहिए। हाँ। कौन सा आना चाहिए नेता? मायावती आनी चाहिए। मायावती बढ़िया है? हाँ बढ़िया। उनके टाइम पे सही काम हुआ था? हाँ बहुत बढ़िया काम हुआ था। उनके टाइम पे शौचालय नहीं बने यहाँ पे? उनके टाइम पे बने थे, बने क्यों ना बने, बने उनके मकान बने, मकान भी आए, शौचालय भी बने हैं। अच्छा, तो ये जो ये शौचालय बना हुआ है सामने, ये? हाँ ये भी बना हुआ है। अच्छा, ये सबके लिए है या किसी एक का है? किसी एक का ही है, विकलांग है एक घर में, बस अन्य कुछ नहीं है यहाँ गाँव में। अच्छा, आप बताइए। हम तो परेशानी, हमारे तो घर की परेशानी है, लैट्रिन बाथरूम की। अच्छा, हमें तो यही परेशानी है, जब घर में बैठने को भी जगह नहीं है, पन्नी भी जब तो कर रही है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है यहाँ पे, यहाँ किसी को भी घर नहीं मिला जी? नहीं ना, हमारे लैट्रिन बाथरूम बनवा दो बस, इसके ज्यादा परेशानियाँ नहीं। सही गांव में लैट्रिन बाथरूम बननी हुई है या नहीं बनी हुई? खेतों में जा रही सारी औरतें, किसी एक दूसरे के खेत में नहीं बैठने देती औरतें बिल्कुल भी। इतनी गंदगी अच्छी नहीं लगती ना, फिर भी खेतों में जाना पड़ता है। ऐसे प्रधानी में भी दो दो तीन तीन कई कई साल हो गए प्रधानी हो, प्रधानों ने भी कुछ नहीं करा, प्रधानी में भी ना किसी का मकान लिखा है ना किसी की लैट्रिन बाथरूम लिखा है। तो ये बताओ, वोट मांगने आ जाते हैं। ये जो खेतों में जाने की वजह से किसी का लड़ाई झगड़ा भी हुआ हुआ यहाँ पे, कोई बड़ी वारदात तो हुई है? अच्छा, एक दूसरे का खेत में जाता है तो लड़के गाली देते हैं, आदमी की थाली में हक लो ऐसा सो कहमो, जिनके खेत धो रहा रहे ऐसे तो करे। हाँ, गन्ना खेत नहीं, नहीं बनने की बात है। हाँ, लड़ाई बताई, मार पिटाई भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाएगी, होती करना है लड़ाई। तो उसके बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं, ब्याह होकर जाएंगे तो वही कहाँ जाएंगे, मजदूर आदमी हमारा कोई ऐसी वो नहीं है। बताओ भैया, जब हम खाएंगे तो ये तो जाना पड़ेगा जरूर। मैं कह रही, मैं इसकी परेशानी तो है ही, मैं कह रही सरकार किस चीज की सही है? बच्चों के इतने जैसा तुम मान रहे हो, ये क्या नाम कोरोना है, कोरोना तो है, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए इतनी थोड़ी है? जब सुविधा कर रखी सरकार ने तो स्कूल क्यों नहीं खोलती? सब चीज खुला है, एक मजदूरी एक स्कूल ही बंद है, क्यों है बंद, ये क्यों नहीं खुल रहा है? गाँव में कोरोना के टाइम पे कुछ सुविधाएं मुहैया करवाई गई सरकार की तरफ? कुछ नहीं कराई है तो कुछ भी नहीं कराई गई, कुछ भी ना कराई। अच्छा, गई यहाँ पे कोरोना के टाइम पे क्या हाल था, मतलब मरीज वरीज थे, कोरोना हुआ था ना? है कोई मरीज नहीं था, है कोई मरीज नहीं पाया गया यहाँ, कोई किसी को भी नहीं हुआ था, नहीं। सब स्वस्थ थे? हाँ। लेकिन फिर भी लॉकडाउन लगा यहाँ पे? हाँ, फिर भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन ही है अभी भी, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन ही है। जब मजदूरी नहीं लग रही, बाहर कोई करने खाना नहीं जा सकता तो लॉकडाउन ही है। और जो सरकार बोलती है कि हमने बेरोजगारों को भत्ता देते हैं, वो भी नहीं मिलता किसी को? कुछ पैसा नहीं आता, 500 रुपया 2 साल में ना ना जाता है, पैसा नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, राशन तो पूरा मिला, राशन तो थोड़ी बंद कर दे, लेकिन एक मजदूरी एक स्कूल जरूर खोल दे। ये स्कूल की सबसे ज्यादा परेशानी है, हमारे छोटे गांव के बच्चे बहुत परेशान हैं। हम बड़े अमीर थोड़ा ही है जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगे, हमारे बस की बात नहीं कि हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दें। हमारी समस्या है अपने बच्चों की, हम बच्चों की परेशानी है, हमारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए। बड़े स्कूल है, जिनके बड़े स्कूल है, जो ये बड़े हैं, वे अपने बच्चों को कितने पैसे में भी घर मास्टर बुला लेंगे। गाँव में, गाँव में एक स्कूल है, कितने स्कूल है? एक ये है, सरकारी है, सरकारी है। अच्छा, उसमें पढ़ते थे आपके बच्चे लॉकडाउन? हाँ वही पढ़ते हैं हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में। स्कूल के अंदर अभी कोई आता है अध्यापक, टीचर वगैरह आते हैं? टीचर आते हैं लेकिन बच्चे नहीं जाते, लॉकडाउन की वजह से बच्चों का जाना मना है। मिड डे मील भी चलती है क्या स्कूल में? मिड डे मील? हाँ मिड डे मील चलती है, लेकिन पहले पहले मिलती थी, अब भी मिलती, एक दो बार मिली है, अब मिली है, कोरोना में ही मिली है। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ कि 6 महीने के बाद से दोबारा चुनाव होंगे आपके यहाँ पे, मुख्यमंत्री यही रहेंगे या बदलेंगे? मायावती बनेंगे, मायावती बनेंगे, हाँ जी मायावती बनेंगे, क्योंकि सब चीज में ना सुविधा था मायावती का, हम मायावती बनेंगे।
मायावती के टाइम पे सही काम हुआ था, सही काम हुआ था, रोजगार भी था, बच्चे पढ़ाई भी हो रहे थे, कोई चीज नहीं, विकलांग को कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पति विकलांग होंगे। योगी के बारे में क्या कहना चाहिए? योगी के बारे में क्या, डंगर ढोर छोड़ के और खेती का नाश कर रहे हैं, डंगर छूट रहे हैं, 50,000 का नुकसान हो रहे हैं इस टाइम। योगी बढ़िया मुख्यमंत्री? नहीं नहीं, योगी नहीं है। अच्छा, तो भाजपा सरकार नहीं आएगी अगली बार? भाजपा कोई और आएगी, कोई अच्छा से ढूंढ लो, कोई और आ जाएगी। योगी सरकार दोबारा आएगी नहीं आएगी? योगी सरकार क्या करेंगे जब योगी ने कुछ करा ही नहीं हमारे लिए? अब यो बताओ, सरकार देखो अपने लिए करती है, जो भी करती है, कोई भी सरकार, प्रधान बनो या सरकार बनो, वो अपने लिए करा, पब्लिक को तो जब देता है, जब फालतू हो जाता है।